Good morning, students. I hope you all are fit and fine at your home. I am your English teacher. Today I am going to explain you chapter number 6, that is Kuttu's dream. Students, Kuttu, it's a Malayalam word that means beta. ठीक है, अब यहाँ पर कुट्टू के ड्रीम के बारे में हम रीड करेंगे. स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास कोई ड्रीम है? आपको कभी कोई ड्रीम आया है? यस, आपको ड्रीम कब आता है? जब आप जागते रहते हो तब, या जब आप सो जाते हो तब? बताइए, सोने के बाद आता है? यस. सो स्टूडेंट्स, आपको कोई ड्रीम याद है? यस, ऐसा कोई ड्रीम जो आपको बहुत अच्छा लगा हो और आपको याद है, तो आप अपनी फैमिली में बताइए कौन सा ड्रीम है जो आपको याद है और आपको बहुत अच्छा लगा था. ठीक है, अब हम कुट्टू के ड्रीम के बारे में जानेंगे कि कुट्टू को कौन सा ड्रीम आया. कुट्टू हैज़ जस्ट कम फ्रॉम द स्कूल. कुट्टू स्कूल से घर आता है. मम्मी, आई एम हंग्री. कुट्टू बोलता है, मम्मा मैं हंग्री हूँ. मम्मा, मम्मी गिव्स हिम फूड. मम्मी कुट्टू को फूड देती है. कुट्टू गोज टू स्लीप, और कुट्टू सोने को चला जाता है. कुट्टू इज ड्रीमिंग. कुट्टू सपना देख रहा है. ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ जंगल, और वो खुद को कहाँ पर पाता है? एक जंगल में. फॉरेस्ट, आपको पता है ना जंगल क्या होता है? जहाँ बहुत सारे ट्रीज और एनिमल्स रहते हैं. यस, सो वो जंगल में रहता है अपने सपने में. हे, हु आर यू? वो अपने सपने में दिखाई दे रहा है ना, कुट्टू सपना देख रहा है. वो अपने सपने में एक एनिमल रहता है, उससे पूछता है, हु आर यू? तुम कौन हो? आई एम कंगारू. वो बोलता है, मैं कंगारू हूँ. वॉट इज़ दैट? ये क्या है? वो पूछता है, ये क्या है? तो ये कंगारू जवाब देता है, दिस इज़ माई पाउच. ये मेरा पाउच है. What do you keep in it? तुम इसमें क्या रखते हो? ऐसा कौन पूछता है? कुट्टू पूछता है. I keep my baby in it. मैं अपना बेबी इस पाउच में रखता हूँ, इस पाउच में रखता हूँ. ठीक है. Then कुट्टू meets a camel. और थोड़ी टाइम बाद कुट्टू किससे मिलता है अपने सपने में? कैमल से मिलता है. Wow, you are so tall. Wow, तुम कितने लंबे हो. What is that on your back? ये यहाँ पर तुम्हारे बैक में क्या है यहाँ? ऐसा कौन बोलता है? कुट्टू. तो कैमल रिप्लाई करता है, It's my hump. ये क्या है? मेरी हम्प है. I store food in it. और मैं इसके अंदर क्या स्टोर करके रखता हूँ? फूड, मतलब खाना स्टोर करके रखता हूँ. Why in your hump? तुम अपना खाना हम्प में क्यों रखते हो स्टोर करके? तो कैमल रिप्लाई करता है, आई लिव इन अ डेजर्ट. मैं कहाँ रहता हूँ? मैं डेजर्ट में रहता हूँ, रेगिस्तान में रहता हूँ. देयर इज़ नॉट मच फूड और वाटर देयर. वहाँ पर ज़्यादा पानी और खाना नहीं रहता है. आई स्टोर इट इन हियर सो दैट. और यही कारण है जिसके कारण मैं अपना खाना हम्प में स्टोर करता हूँ. I can use it when I am hungry. और मैं उसे use करता हूँ जब मैं भूखा होता हूँ, तो hungry होता हूँ तो. ठीक है. Just then कुट्टू touched a leaf. और उसके थोड़ी ही देर बाद कुट्टू एक leaf, मतलब एक पत्ते को हाथ लगाता है. And something jumped. और कोई चीज़ jump करती है. ठीक है, jump मतलब कूदना. Okay. Ouch! You scared me. वो बोलता है कि तुमने मुझे डरा दिया. Why didn't I see you? मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सका? तो ये बोलता है, I am chameleon. मैं क्या हूँ? Chameleon हूँ. I can change my color. और मैं अपना कलर चेंज कर सकता हूँ, जिसे हिंदी में क्रिकेट बोलते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. तो कुट्टू बोलता है, ओ सो दैट यू कैन हाइड इन द लीव्स. ओ अच्छा, यही कारण है जिसके कारण तुम पत्तों के पीछे छिप जाते हो, पत्तों में छिप जाते हो, क्योंकि तुम कलर चेंज कर लेते हो. तो कैमेलियन बोलता है, यस, यही रीज़न है. देन कुट्टू
सीज अ जिराफ, और फिर गुड्डू किसे देखता है, एक जिराफ को देखता है। ओ माय गॉड यू आर टू टॉल, वो बोलता है ओ माय गॉड तुम कितने लंबे हो। तो जिराफ बोलता है यस आई एम द टॉलेस्ट एनिमल। जिराफ बोलता है यस मैं सबसे लंबा एनिमल हूँ। आई हैव अ लॉन्ग नेक, जिराफ बोलता है मेरी एक लॉन्ग नेक है, लेक मतलब गर्दन, ठीक है नेक है मेरी लॉन्ग, सो दैट आई कैन रीच द लीव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज। यही कारण है जिसके कारण मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ ट्री के टॉप तक, मतलब सबसे ऊपर वाले पार्ट तक की भी लीव्स को मैं खा पाता हूँ, वहाँ तक पहुँच पाता हूँ, क्योंकि मेरी जो नेक है वो कैसी है, टॉल है, लंबी है, ठीक है लॉन्ग है, टॉल नहीं लॉन्ग है, ठीक है। सडनली एन एप्पल ड्रॉप्स ऑन कुट्टूज हेड, और सडनली क्या होता है, कुट्टू के हेड पर एक एप्पल पड़ता है, ओह, और वो ओह की आवाज़ करता लग गई है ना उसे। कुट्टू हैड फॉलन फ्रॉम हिज बेड, कुट्टू अपने बेड से गिर जाता है, ही हैड वॉक ऑन, वो अब उठ चुका था, एंड बिगैन थिंकिंग अबाउट हिज ड्रीम, और फिर से अपने सपने के बारे में सोचने लग गया था। कैसी लगी स्टोरी स्टूडेंट्स, अच्छी लगी? आपको कोई ड्रीम आया है? यस, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए कि कौन सा ड्रीम आया था, कैसा ड्रीम था। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस स्टोरी के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं है। ये स्टोरी किसने लिखी है, स्वाति शर्मा ने लिखी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।